गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जैसे जैसे जनता का भरोसा कांग्रेस से घटता जा रहा है, वैसे वैसे कांग्रेस का भरोसा ईवीएम से घट रहा है। जहां वह जीत जाते हैं वहां खामोश हो जाते हैं, जहां हार जाते हैं वहां ईवीएम खराब हो जाती है। उन्होंने राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनको तो किसी पर भरोसा नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक सेना ने किया तो सेना खराब, केस हार गए तो न्यायालय खराब, चुनाव हार गए तो ईवीएम खराब, राम मंदिर का शिलान्यास किया तो तारीख खराब। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार ऐसी सरकार है जिसने शासकीय और प्राइवेट चिकित्सालय के दरवाजे जनता के लिए निःशुल्क खोल के रखे। बढ़ते कोरोना को लेकर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की सीमाओं पर अलर्ट कर दिया गया है। 12 जिले ऐसे हैं जहां अलर्ट किया है, जहां थर्मल स्क्रीनिंग स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि जहां तक नाइट लॉकडाउन का सवाल है, जनता को उसके प्रति आगाह और अलर्ट करने की दृष्टि से बैठक में नाइट कर्फ्यू पर विचार होगा, खासकर भोपाल और इंदौर जैसे शहर में। कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस का दोहरा चरित्र समझ में आता है। इनके लिए गांधी के नाम पर इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी ऐसे तथा कथित गांधी हैं, बाकी जो राष्ट्रपिता गांधी हैं वह उनके लिए सिर्फ वोटों तक ही सीमित हैं। अम्बेडकर जी भी इनके लिए वोटों तक ही सीमित हैं। जब नियम कोई कानून बनता है तो वो सबके लिए समान होता है, कानून किसी व्यक्ति को देख के नहीं बनाया जाता है। हमारे लिए माननीय हो या जन हो, हमारे लिए सभी माननीय हैं, आम जनता भी सम्माननीय है, और सभी के स्वास्थ्य का ध्यान मध्य प्रदेश की सरकार रखती है। एकमात्र मध्य प्रदेश की सरकार ऐसी सरकार है हिंदुस्तान में जिसने शासकीय के साथ साथ प्राइवेट चिकित्सालय भी जनता के लिए खोल के रखे दरवाजे, और प्राइवेट चिकित्सालय में मतलब फ्री फॉर ऑल कर दिया था, लेकिन जनता की प्राथमिकता पहले रखी थी। मध्य प्रदेश की सीमाओं पर अलर्ट कर दिया है, 12 जिले हमारे ऐसे हैं जहां हमने अलर्ट किया है। थर्मल स्क्रीनिंग स्वास्थ्य परीक्षण के बिना अभी आने जाने को देखा जा रहा है। जहां तक सवाल नाइट लॉकडाउन का है, जनता को उसके प्रति आगाह और अलर्ट करने के दृष्टि से ऐसा तय किया है कि कल होने वाली बैठक में नाइट कर्फ्यू पर हम विचार करेंगे। खासकर भोपाल और इंदौर जैसे शहर जो हैं, जहां पहले कोरोना ने बड़ी संख्या में दस्तक दी थी, और जो बॉर्डर के ज़िले हैं वहाँ कल तय होगा क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठकों में। इस बारे में जो राय आएगी प्रदेश को उसके बाद तय कर देंगे कल। अब कांग्रेस पार्टी पे भरोसा नहीं रहा, जैसे जैसे उनका भरोसा जनता का उनमें घट रहा है, उनका ईवीएम में घट रहा है। जहाँ जीत जाते हैं वहाँ मौन हो जाते हैं, जहाँ हार जाते हैं वहाँ ईवीएम खराब है। और दिग्विजय सिंह को तो प्रारंभ से ही सर्जिकल स्ट्राइक किया सेना ने, घुस के तो सेना खराब, केस हार गए तो न्यायालय खराब, चुनाव हार गए तो ईवीएम खराब, राम मंदिर का शिलान्यास किया तो तारीख खराब, और कोरोना की वैक्सीन आ गई तो वैज्ञानिक खराब। गोडसे का पुजारी अब कांग्रेस की सवारी। दरअसल इससे कांग्रेस का दोहरा चरित्र समझ में आता है। इनके लिए गांधी के नाम पर इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी, जो सो कॉल्ड गांधी हैं, तथाकथित गांधी हैं, वो ही हैं। बाकी जो राष्ट्रपिता गांधी हैं वो इनके लिए सिर्फ वोटों तक ही सीमित है। जैसे अंबेडकर जी इनके लिए सिर्फ वोटों तक ही हैं, जैसे सरदार पटेल इनके लिए वोटों तक ही है। आज तक नेहरू गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति सरदार पटेल की प्रतिमा पर नहीं गया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।